सीजन की शुरुआत हमारे कपल की शादी से होती है, जो सबके सामने एक दूसरे को कबूल करने के बाद डांस करने लगते हैं। डांस के कुछ देर बाद जब केक काटने की बारी आती है तो ब्राइड को गायब देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी एक चीख की आवाज सुनाई देती है तो सब लोग भागकर जाते हैं। वहाँ उनको ब्राइड फोन में लतपत नजर आती है। सीन पास्ट में जाता है तो हम अपनी फीमेल लीड संजू को देखते हैं, जो अपना वेडिंग ड्रेस और उसके साथ पड़ी हील्स देख रही थी। फिर वो अपने बेडरूम में आती है और अपने हस्बैंड शिन को टाई बांधती है। दोनों एक हैप्पी कपल लग रहे थे जो एक दूसरे पर जान देते हैं। शिन तैयार होकर अपने बिजनेस ट्रिप के लिए चला जाता है। शिन प्लेन में वॉशरूम में जाता है तो उसके पीछे एक लड़की वॉशरूम में आ जाती है और दोनों किस करने लगते हैं। योनजो पहुँच कर भी वो उसी लड़की के साथ होता है और उसकी पत्नी एक परफेक्ट हाउस वाइफ की तरह उसके बच्चों और घर को संभाल रही थी। शिन की सासू माँ, जो सारे बिजनेस की मालिक थी, वो शिन से संजू को साथ ना लाने की वजह पूछती है तो वो कहता है उसे बिजनेस में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सासू माँ को उसके तेवर और हरकतों का कुछ कुछ इल्म था, इसीलिए वो अपनी बेवकूफ बेटी को फोन करके पहली फ्लाइट से वहाँ पहुँचने का कहती है। अब हम शिन को उसकी गर्लफ्रेंड मीरा के साथ देखते हैं, जो अब ब्रेकअप करने वाले थे क्योंकि उनका यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो एक साल तक डेट करेंगे। और इसी दौरान शिन की फैमिली को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब साल पूरा हो चुका था और ब्रेकअप का समय आ गया था, जिस पर मीरा काफी उदास थी। लेकिन शिन कूल था। फैशन शो में शिन मीरा के डिजाइन किए हुए शूज लॉन्च करता है तो मीरा ये देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ संजू भी फैशन शो में आई हुई थी और अपने पति की कामयाबी पर बहुत खुश होती है। मीरा शो के बाद शिन को इतना अच्छा सरप्राइज गिफ्ट देने पर थैंक्स कहती है तो वो कहता है, तुम हमेशा मेरी क्वीन रहोगी। ये बंदा दोनों औरतों से एक जैसे डायलॉग्स बोलता है। बंदा थोड़ी सी मेहनत करके नए डायलॉग्स ही ढूंढ लेता है। मीरा के जाने के बाद संजू आ जाती है तो शिन को उसे देखकर कोई खास खुशी नहीं होती। वो रात को संजू को काम का बहाना बनाकर मीरा के पास चला जाता है और बेचारी संजू ये सोचकर अकेली रात गुजारती है कि उसका पति बहुत मेहनत कर रहा है। अगले दिन उसके मसरूफ होने के कारण संजू अकेली ही घूमने जाती है। वहाँ उसे मीरा मिलती है और दोनों एक दूसरे की फोटोज क्लिक करती है। वापसी पर संजू की कार में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो मीरा उसे लिफ्ट दे देती है। उसे थैंक्स करने के लिए संजू उसे डिनर पर ले जाती है, लेकिन बिल देते समय संजू को याद आता है वो अपना वॉलेट अपनी कार में ही भूल आई है। मीरा बिल पे करती है तो संजू उससे उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगती है ताकि वो उसके पैसे वापस कर सके, लेकिन मीरा कहती है इसे मेरी तरफ से ट्रीट समझो। संजू होटल आती है तो शिन फिर काम का बहाना करके मीरा के पास रोमांटिक नाइट बिताने पहुँच जाता है। ये मीरा और शिन की लास्ट डेट थी और अगले दिन शिन संजू के साथ घर वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है, जब उसे एक कॉल आती है और वो संजू को जाने का कहकर खुद कहीं चला जाता है। संजू उससे पूछती ही रह जाती है लेकिन बिना कुछ बताए वो चला जाता है और संजू की कॉल भी पिक नहीं करता। मीरा ने जहर खा लिया था और वो हॉस्पिटल में थी, इसलिए शिन सब छोड़ छाड़ कर उसके पास पहुँच गया था। मीरा को होश आता है तो वो शिन से कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं चाहती, और मर्द औरत के आंसुओं पर पिघल ही जाता है। संजू शिन के गिफ्ट किए हुए शूज देखकर खुश हो रही थी, जो उनकी कंपनी ने एक ही पेयर बनाया था और वो शिन ने अपनी क्वीन को गिफ्ट कर दिया था। मीरा ने शिन के घर से थोड़ा दूर ही एक घर ले लिया था। संजू क्लब जाती है तो मीरा को वहाँ देखकर काफी खुश होती है और दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। शिन अपनी सासू माँ की कंपनी में जगह बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहा था, जिसमे संजू और शिन का साला भी उसे पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। शिन ऑफिस के बाद सबसे पहले मीरा के पास हाजिरी देता था, फिर अपनी फैमिली के पास जाता था। क्लब में सब लोग मीरा को मिस्ट्रेस कह रहे थे क्योंकि सब जानते थे उसका किसी शादीशुदा आदमी से अफेयर है। ये कोई नहीं जानता था कि उसका अफेयर शिन के साथ है। संजू सबको बातें करता सुनकर ऐसा कहने से मना करती है। तभी मीरा को एक लेडी तंग करने लगती है और क्लब की मैनेजमेंट से लड़ती है कि तुम लोगों ने एक मिस्ट्रेस को क्लब की मेंबरशिप क्यों दी है। संजू यहाँ भी उसका साथ देती है और उसे किसी की बातों पर ध्यान ना देने का कहती है। मीरा उसके सामने तो काफी अच्छी बनी होती है, लेकिन बाद में वो खुद को बातें सुनाने वाली औरत की कार का शीशा तोड़ देती है। मीरा के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मीरा ने संजू को फैशन शो वाले दिन देखा था और तब से वो उसका पीछा कर रही थी। पता नहीं उसका मकसद क्या था, लेकिन उसका खेल काफी खतरनाक लग रहा है। संजू अपनी मॉम से बात करती है तो हमें पता चलता है संजू की लव मैरिज है, लेकिन उसकी मॉम को शिन पसंद नहीं था। वो
अब भी संजू को समझाती है कि शिन पर अंधा भरोसा कर रही हो, वो एक दिन तुम्हें अपना असल रंग दिखा देगा। संजू के पिता ने भी उसकी मॉम के साथ धोखा किया था, जिस कारण उन दोनों के झगड़े होते रहते थे और इसीलिए संजू का बचपन काफी बुरा गुजरा। संजू अपने बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी, इसीलिए वो सब भूल कर एक हैप्पी फैमिली बनाने की कोशिश में लगी रहती थी। मीरा संजू से मिलती है तो वो उसे पूछती है, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? जिस पर संजू कहती है, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बहन याद आती है। मीरा कहती है, अगर ऐसा है तो आज से तुम मुझे अपनी बहन समझो। और संजू ये सुनकर खुशी से पागल हो जाती है। उसकी खुशी उस वक्त शौक में बदल जाती है जब मीरा उसे बताती है कि मेरे बारे में लोग ठीक कहते हैं, मुझे ऐसे मर्द से प्यार है जो किसी और औरत का है। संजू को फ्लैशबैक आता है कि उसकी बहन भी एक ऐसे ही मर्द के प्यार में पड़ गई थी, तो संजू ने उसे अपने पिता का याद दिलाते हुए उस मर्द को छोड़ने का कहा था, लेकिन उसकी बहन को लगता था वो उसके बिना मर जाएगी। संजू मीरा को अपनी बहन की कब्र पर ले जाती है और उसे बताती है, मेरी बहन भी ऐसे ही अफेयर की वजह से मर गई। ऐसे प्यार और अफेयर्स का ऐसा ही अंजाम होता है, इसीलिए तुम भी अपने प्यार को छोड़ दो। लेकिन मीरा कहती है, मैं यू जो इसीलिए गई थी कि उसे छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मीरा कहती है, मैं उसे ब्रेकअप करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। संजू जो अपनी बहन को इसी कारण खो चुकी थी, वो बिना उसकी असलियत जाने उसे कहती है, अगर तुम उसके बिना मर जाओगी तो फिर उस मर्द को किसी भी तरह हासिल करो और उसकी पत्नी बनो। मीरा उसे कहती है, क्या तुम सीरियस हो? जिस पर संजू कहती है, हाँ, किसी बेवकूफ की तरह मरना नहीं बल्कि उस मर्द को छीन लो और उसे अपना बना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संजू की बर्थडे थी और शिन को ऑफिस में सासूमा से काफी डांट पड़ती है, क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण उनकी एक कंपनी का काफी नुकसान हुआ था। संजू को इस बात का पता चलता है तो वो उसके लिए स्पेशल डिनर बनाती है। शिन घर आकर उसे बर्थडे विश करता है और फिर अपनी कंपनी का स्पेशल नेकलेस गिफ्ट करता है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था। रात को संजू उसके फारिग होने का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो अपना काम करने स्टडी चला जाता है। फिर वहाँ से मीरा के घर पहुँच जाता है। मीरा क्लब आती है तो उसके हाथ में भी वैसा ही ब्रेसलेट था जैसा संजू ने नेकलेस पहना हुआ था। संजू के पूछने पर वो बताती है कि उसने मार्केट से खरीदा है और साथ ही वो ब्रेसलेट संजू को गिफ्ट कर देती है। संजू उसके बारे में कंपनी मैनेजर को डिटेल भेजने का कहती है और अपने पति और मॉम से इस बारे में बात करने से भी मना कर देती है। संजू शिन और बच्चों के साथ अपनी मॉम के साथ डिनर करती है तो मॉम सबके सामने ही शिन की क्लास लगा लेती है, जिस पर संजू को बुरा महसूस होता है और वो अपनी मॉम से नाराज होकर वहाँ से आ जाती है। शिन की सासू माँ उसे एक लड़की के थ्रू ट्रैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी सासू माँ से भी तेज निकलता है और उनके ट्रैप में फंसता ही नहीं। सासू माँ भी उसकी तरफ से क्लियर हो जाती है और संजू पर भी अपने पति की वफा साबित हो जाती है। इस तरह एक तीर से वो दो शिकार कर लेता है। संजू किमची बनाकर मीरा को देने उसके घर जाती है तो वो उसे देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि शिन उसके घर पहुंचने वाला था। संजू उसे किमची पकड़ाकर निकल आती है, लेकिन तभी वो शिन की गाड़ी देखकर शॉक्ड हो जाती है। संजू मीरा को कॉल करती है तो मीरा उसे बाद में कॉल करने का कहती है। संजू से पूछती है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ है? वो कहती है, हाँ। संजू उसके घर जाकर उनको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, लेकिन तभी उसको अपने बेटे की कॉल आती है तो वो वापस कार में आकर बैठ जाती है। वो शिन को कॉल करती है तो वो कहता है, मैं घर हूँ। संजू घर जाकर उसे मीरा का ब्रेसलेट दिखाकर पूछती है, क्या तुम इसे पहचानते हो? वो कहता है, नहीं। तो संजू पूछती है, तुमने डिनर में क्या खाया? जिस पर वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके पूछता है, हमने डिनर में क्या खाया था? संजू शर्मिंदा होकर उसे कहती है, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। संजू मीरा के घर जाती है और हर चीज को बहुत गौर से देखती है। वो मीरा का वॉशरूम यूज करने के बहाने उसके बेडरूम में जाती है। फिर वो मीरा से उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछती है, जिस पर मीरा शिन के बजाय कोई और नाम लेती है और तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है तो संजू शिन के बजाय किसी और को देखकर सुकून का सांस लेती है। उसके जाने के बाद मीरा कहती है, अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम सच जानो। संजू बिजनेस इवेंट पर जाती है तो उसकी मॉम उसे एक बार फिर अपने पति पर नजर रखने का कहती है। मॉम तजुर्बेकार थी, उनको नजर आ रहा था कि उनका दामाद ठीक नहीं है, लेकिन संजू को उनकी बातें बुरी ही लग रही थी। तभी उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है तो वो उसे वहाँ देखकर हैरान रह जाती है। उसी वक्त वो शिन को मीरा के पीछे जाते देखती है तो उनका पीछा करती है। मीरा शिन से कह रही थी, मेरे अंकल तुमसे मिलने आए थे, इसलिए मैं तुम्हें उनका बताने के लिए कॉल कर रही थी, जो तुमने पिक नहीं की तो मैं खुद आ गई। उन दोनों को किस करते देखकर उसके सर पर आसमान ही गिर जाता
जाता है। शिन कंपनी ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाता है, जिस पर मीरा उसके लिए सरप्राइज सेलिब्रेशन रखती है। वो मीरा के साथ बहुत खुश था जब संजू उसे बुलाती है और उसके अफेयर का पूछती है, लेकिन वो साफ मुकर जाता है। संजू कहती है, तुम उसी की वजह से यूजो गए थे और न जाने कब से मुझे धोखा दे रहे हो। वो मीरा से पूछती है, तुम कब से रिलेशनशिप में हो, तो वो बताती है 2 साल से। मीरा कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड अपनी पत्नी की वजह से सेटल्ड है, लेकिन उसका अपनी पत्नी के पास दम घुटता है, यही वजह है कि वो मेरे पास आकर सुकून महसूस करता है। संजू शिन से डिवोर्स का कहती है, लेकिन वो उसे अपने बच्चों के बारे में सोचने का कहता है, जिस पर संजू अपना माइंड बदल देती है। वो शिन से कहती है, मैं कभी तुम पर विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन अपने बच्चों के लिए तुम्हारी पत्नी बनने का नाटक कर सकती हूँ। शिन मीरा से मिलने जाता है और उसे पूछता है, तुमने मेरी पत्नी को अप्रोच क्यों किया। मीरा कहती है, मैं जेलिस थी और देखना चाहती थी वो कैसी औरत है। शिन कहता है, तुम्हारी जेलिसी ने सब खराब कर दिया, अब से हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन तभी उसे पता चलता है मीरा प्रेग्नेंट है। संजू मीरा को कॉल करके बुलाती है और उसे बातें सुनाती है, तो मीरा उसे याद दिलाती है कि तुमने ही कहा था उस आदमी को अपना बना लो। तो संजू कहती है, तुम जानती थी मैं शिन की पत्नी हूँ। मीरा कहती है, मैं शिन को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर ड्राइव करती संजू शॉक में आ जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उन दोनों को थोड़ी बहुत चोटें आती हैं। शिन को कॉल आती है तो वो हॉस्पिटल आकर संजू को ले जाता है, लेकिन उसे अपनी प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस की फिक्र थी तो वो हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन संजू उसे देखकर रोक लेती है। मीरा का मिसकैरेज हो जाता है, जिस पर वो शिन को कॉल करती है, लेकिन शिन संजू के डर से फोन ऑफ कर देता है। अगले दिन मीरा तैयार होकर संजू से मिलने आती है और जबरदस्ती की मेहमान बनकर बैठ जाती है। शिन घर आता है तो अपने बच्चों के साथ उसे देखकर शॉक्ड होता है, लेकिन वो इतनी ढीठ थी कि संजू और शिन के कहने पर भी वहाँ से नहीं जाती। संजू की तबीयत खराब होने लगती है तो शिन उसे वहाँ से जाने का कहता है, जिस पर वो शिन से कहती है कि उसे घर छोड़ दे। वो शिन को अपने मिसकैरेज का नहीं बताती। शिन उसे अब्रॉड सेटल होने का कहता है ताकि वो अपने बच्चे को वो सब दे सके जो वो देना चाहता था। वो मीरा को विश्वास दिलाता है कि मैं कंपनी का ओनर बनकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा, लेकिन मीरा अब्रॉड जाने के लिए राजी नहीं थी। तभी शिन और संजू को पता चलता है कि मीरा का मिसकैरेज हो चुका है, जिस पर संजू शिन से कहती है, अब तुम्हारे पास कोई वजह नहीं रही, उसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाओ। मीरा संजू से कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया, जिस पर संजू उसे बताती है कि ऐसे रिलेशनशिप्स का कोई एंड नहीं होता सिवाय तबाही के। वो बताती है कि मेरी बहन भी इसीलिए मर गई क्योंकि उस आदमी ने अपनी फैमिली के लिए मेरी बहन को छोड़ दिया। मीरा को शिन पर बहुत विश्वास था, वो कहती थी शिन ऐसा नहीं है, लेकिन शिन उसी दिन उसके साथ अपना ताल्लुक खत्म कर लेता है। मीरा उनकी जिंदगी से चली जाती है, लेकिन संजू के भाई हैन की गर्लफ्रेंड बनकर दोबारा उनकी जिंदगी में आ जाती है। शिन ये देखकर गुस्से में आ जाता है और अपने साले के सामने मीरा की असलियत खोलने लगता है, लेकिन संजू उसे बच्चों के सामने अपने अफेयर का ना बताने का कहती है। हैन संजू को बताता है कि वो मीरा से शादी करना चाहता है। ये सुनकर संजू के सर पर जैसे पहाड़ आ गिरता है। वो शिन को अपना पहले का गन साफ करने का कहती है और खुद भी हैन को बता देती है कि मीरा किसी मैरिड आदमी की मिस्ट्रेस थी और उससे प्रेग्नेंट भी थी। हैन जो खुद भी एक मिस्ट्रेस का बेटा और संजू का सौतेला भाई था, वो कहता है, मैं भी तो नाजायज हूँ। उसे ना मानता देखकर संजू बहुत परेशान थी, जिस पर शिन मीरा से मिलकर उसे समझाता है, लेकिन वो कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, उसके बाद मैं अपनी जिंदगी शुरू कर चुकी हूँ। संजू हैन को मीरा से शादी करने की इजाजत दे देती है और मीरा की बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि वो शादी के लिए तो हैन के साथ नहीं थी। संजू उनको अपने घर के साथ वाला घर भी गिफ्ट करती है और उनको वहाँ रहने का कहती है, तो मीरा को बॉयफ्रेंड के साथ संजू के पड़ोस में शिफ्ट होना पड़ता है। संजू की मॉम की बर्थडे पर वो सब लोग फैमिली ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ संजू शिन को मीरा के साथ पकड़ लेती है। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं, यही शिन का हाल था। वो शिन को घर छोड़कर होटल शिफ्ट होने का कहती है, जिसके बाद वो उससे कंपनी पोजीशन छोड़ने का कहती है, लेकिन शिन, जिसने सब कुछ कंपनी पोजीशन के लिए बर्दाश्त किया था, वो इस पोजीशन को छोड़ने से मना कर देता है। संजू को अब उसकी असलियत पता चलती है तो वो बिजनेस ज्वाइन कर लेती है। दूसरी तरफ मीरा हैन को बता देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और की वजह से तुम्हें अप्रोच कर रही थी। हैन को समझ आ जाता है कि वो उसके बहनोई के पीछे है, इसीलिए वो उसे अपनी बहन को नुकसान पहुँचाने से मना करता है। शिन अपनी चालों से सारा स्टाफ और शेयर्स अपने नाम करने की कोशिश में था, तो संजू उसकी इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए हाथ पैर मार रही थी। दूसरी तरफ मीरा संजू को बदनाम करने के लिए उसकी उसके डॉक्टर दोस्त के साथ फोटो से एक रिपोर्टर को ये बताकर दे देती है कि इन दोनों का अफेयर चल
चल रहा है। लेकिन रिपोर्टर भी समझदार था, वो संजू से इस बारे में कंफर्म करता है। तो संजू उसकी इस अच्छाई के बदले में शिन के साथ इंटरव्यू देती है, तो मीरा का प्लान नाकाम हो जाता है। शिन मीरा की इस हरकत के बारे में जानने के बावजूद उसे कुछ नहीं कहता। संजू की बेटी और शिन संजू पर डॉक्टर के साथ अफेयर का इल्जाम लगाते हैं, जो मीरा का ही काम था, लेकिन वो बेचारी ये इल्जाम भी खामोशी से सह जाती है। शिन दिन ब दिन खुलकर सामने आ रहा था और मीरा भी उसकी शय पर संजू के घर में भी शिन से रोमांस करती पाई जाती थी, जो संजू की बेटी देख लेती है। उनकी बेटी काफी डिस्टर्ब होती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताती। बताती भी क्या, जिस बाप को वो हीरो समझती थी वो एक धोखेबाज निकला। इसके लिए भी शिन संजू को ही कसूरवार कहता है, जिस पर संजू कहती है, तुम कब तक सिर्फ मीठी बातें करके समझाते रहोगे, तुम्हारा हर फर्ज पूरा हो गया। शिन की बेटी मीरा और हैन की शादी का पूछती है तो शिन खुशी से बताता है कि उसने तुम्हारे मामू से ब्रेकअप कर लिया। वो मीरा को अपने घर खाने पर बुलाती है, जब उन्होंने ऐसी डिश बनाई होती है जो मीरा ने कभी नहीं खाई थी। अमीरों का खाना भी अलग ही होता है। मीरा उस डिश को खाते हुए ऊपर गिरा लेती है तो काफी बेआबरू होकर वहाँ से निकलती है। शिन भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसकी मासूम बेटी पूछती है, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? तो उसे रुकना पड़ता है। शुक्र है बेटी संजू पर नहीं गई। संजू अपनी टेंशन कम करने अपने डॉक्टर दोस्त के पास जाती है तो वहाँ वो मीरा को देखकर हैरान रह जाती है। डॉक्टर संजू से प्यार करता था, इसीलिए उसने संजू को पाने के लिए मीरा को यूज किया था और उसे हैन की जिंदगी में लाया था। संजू को हर उस इंसान से धोखा मिला था जिस पर उसने अंधा विश्वास किया था। वो डॉक्टर को भी छोड़ देती है। शिन बिजनेस पर कब्जा मजबूत करने के लिए मीरा को भी अपने साथ बिजनेस में ले आता है और उसकी मदद से ही चेयरमैन पर इल्जाम लगाकर जेल भिजवा देता है, जिस पर उनकी बेटी बहुत दुखी हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसके पिता ये सब कंपनी हथियाने के लिए कर रहे थे, इसीलिए वो अपनी मॉम को बताती है कि मैंने पिता को मीरा के साथ किस करते देखा था। संजू अपनी बेटी को बताती है कि मैं पहले से ये जानती थी, तो वो अपनी मॉम को विश्वास दिलाती है कि अब से मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। संजू शिन से कहती है, मैं गलत थी लेकिन मैं अब दोबारा स्टार्ट करना चाहती हूँ। वो मीरा से कहती है, मैं कभी भी शिन को डिवोर्स नहीं दूंगी और तुम सारी जिंदगी एक मिस्ट्रेस बनकर रहोगी। शिन संजू के साथ एक बार फिर खुश रहने की कोशिश करता है और इसके लिए दोनों अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर अपना वेडिंग डे रिमाइंड करने के लिए दोबारा शादी करते हैं, जिसमें संजू मीरा को भी बुलाती है। तो मीरा जैसे इसी इंतजार में थी वो तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। रिमाइंड वेडिंग में संजू मीरा से कहती है, मुझे मेरी मॉम की बेगुनाही के सबूत दो तो मैं अभी शिन से डिवोर्स का ऐलान कर दूंगी। वो शिन के साथ वेडिंग फॉर्मेलिटीज पूरी करके केक काटने से पहले अंदर जाती है तो वहाँ मीरा खून में लथपथ पड़ी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और शिन को हैन पर शक था, लेकिन संजू को अपने भाई पर विश्वास था, वो ऐसा नहीं कर सकता। शक के कारण संजू को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, लेकिन वो कहती है, ये मैंने नहीं किया और बात भी ठीक है, उसने मीरा को मारना ही होता तो बहुत से मौके आए थे जब वो उसे मार सकती थी। डिटेक्टिव का कहना था चाकू पर संजू के फिंगरप्रिंट थे, जिस पर संजू कहती है कि वो मेरे किचन का चाकू है तो उस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स तो होंगे। तभी एक गवाह आता है जो बताता है कि मैंने अपराधी को देखा है और वो कोई और नहीं संजू का बेटा था। संजू उसे देखकर शॉक थी तो वो अपनी मॉम को बताता है कि मैं डैड के अफेयर के बारे में जानता था, मैंने ही उस औरत पर अटैक किया था। ऑफिसर बच्चे को एक चाकू दिखाकर पूछता है, क्या तुमने इससे अटैक किया था? वो कहता है हाँ, जिस पर ऑफिसर बताता है कि वो चाकू मिला ही नहीं जिससे हमला हुआ, जिसका मतलब था वो किसी को बचा रहा है। बच्चे को 14 साल से कम का होने के कारण छोड़ दिया जाता है। शिन को विश्वास था कि ये हमला उसके बेटे ने किया है, लेकिन संजू अपने बेटे को जानती थी। वो सोचती है तो उसे याद आता है कि जब शिन उसके साथ ड्रिंक कर रहा था उसके कोट का रुमाल गायब था। संजू को वो चाकू भी मिल जाता है जो शिन ने छुपा कर रखा था। मतलब कैसा इंसान है यार, जिसे ना अपने बेटे की चिंता थी ना फैमिली की, उसे बस खुद से प्यार था। वो मीरा के होश में आने का सुनकर उसे मारने जाता है, लेकिन मीरा उस वक्त होश में थी। वो शिन के हाथों तो नहीं मरती, लेकिन बाद में हॉस्पिटल की छत से कूदकर मरने लगती है। तो संजू वहाँ आ जाती है, वो उसे समझाती है कि मैंने पहले ही कहा था तुम भी मेरी बहन की तरह उस आदमी की वजह से मरोगी, लेकिन तुम आज खुद को चूज करो। शिन ने मीरा पर इसीलिए हमला किया था क्योंकि वो संजू को उसकी मॉम को बचाने के लिए शिन के खिलाफ सबूत देने वाली थी। मीरा पुलिस को कह देती है कि मैंने खुद को चाकू मारा। वो ऐसे जाहिर करती है जैसे उसे रिमाइंड वेडिंग वाले दिन का कुछ भी याद नहीं और उसने शिन के बेटे को बचाने के लिए ये बयान दिया है। शिन मीरा के भूलने का जानकर एक बार फिर अपनी मीठी बातों से मीरा को बहलाने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन वह अब उसकी असलियत जान गई थी। मीरा की मदद से संजू की मॉम जेल से बाहर आ जाती है तो शिन एक बार फिर परेशान हो जाता है और मीरा पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो कहती है मुझे कुछ याद नहीं। संजू की बेटी को लगता था संजू ने मीरा पर अटैक किया है, इसीलिए उसने जेल गवाह तैयार करके अपने भाई को अरेस्ट होने का कहा था, क्योंकि वो जानती थी 14 साल से कम का होने के कारण वो जेल नहीं जाएगा। संजू के बेटे ने अपने पिता को मीरा पर हमला करते देखा था, इसीलिए वो इस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रहा था। संजू की हर कोशिश के बाद उसका हंसता बसता घर उजड़ गया था। संजू मीरा की मदद से शिन को अगवा करवाती है तो मीरा उसे कहती है मुझे इसे मारने दो। संजू उसकी बात मान लेती है और मीरा शिन को कत्ल करने के बाद गिरफ्तारी दे देती है। संजू उसको माफ करके जेल से निकलवा लेती है और दोनों अपनी जिंदगी हैप्पीली गुजारने लगती हैं। मीरा संजू को उसकी मदद के लिए शुक्रिया और अपनी हरकतों के लिए सॉरी करती है। संजू उसे कहती है कि मैंने हमेशा दूसरों के सामने शो ऑफ करते जिंदगी गुजार दी, जिस वजह से मैं कभी खुश नहीं रह सकी, लेकिन अब मैं जैसी हूँ वैसी ही खुद को दिखाती हूँ। इन दोनों की हैप्पी जिंदगियों के साथ हमारा ये सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।